सो हे गाइस, पीछे की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं यार शेप्स के बारे में, ठीक है। उसमें पिक्चर कैसे एंटर कराना है और उसका शेप चेंज कैसे कैसे करना है। अब इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं चार्ट के बारे में, ठीक है। चार्ट देखो, एक सिंपली एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी पर्टिकुलर डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके। अब देखो कैसे शेप चार्ट में जाना है मेरे को, और सपोज करो ये देखो वैरायटी ऑफ चार्ट्स दिखा रखे हैं आपको यहाँ पे, और आपको कोई चार्ट चाहिए हो, जैसे कि मेरे को पसंद है स्पेशली पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट होता है, समझ गए होगे स्क्रीन पे देख के, कि एक सर्किल में डिनोट करना है हमको कि किस टाइप का कौन सा डाटा रिप्रेजेंट कौन से क्वार्टर में करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखो सपोज करो मैं इस पाई चार्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अब देखना यहाँ पे एक एक्सेल फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। एक्सेल फाइल में हमको रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी का डाटा। अब जैसे फर्स्ट क्वार्टर है, फर्स्ट क्वार्टर देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि नीला कलर का डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ओके। सेकंड क्वार्टर है ऑरेंज का, ये ऑरेंज ये वाला। थर्ड क्वार्टर है ग्रे कलर, ये रहा। फोर्थ क्वार्टर है येलो, ये वाला। अब देखो इसकी वैल्यूज चेंज कैसे करनी है। सपोज करो मेरे को यहाँ से यहाँ तक या यहाँ तक कैसे भी इस डाटा को वैरायटी में डिफरेंट 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 टाइप का रिप्रेजेंटेशन करना है। सपोज करो आपकी वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर की थी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कोई भी, सपोज करो 3.5, ओके। एंटर करता हूँ, यहाँ पे चेंजेस देख लिया आपने, ओके। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो सेकंड क्वार्टर, यहाँ पे मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ आपको, 1.8, ओके। देखो ये चेंज हो गई वैल्यू। तो आप इसकी वैल्यू आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि पहले आपके क्वार्टर को डिवीज़न करना है, उसके बाद में यहाँ पे जो भी वैल्यू रिप्रेजेंट वहाँ पे करी जाएगी आप यहाँ पे उसको ऑब्जर्व कर सकते हो एक बेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, ओके। ठीक है, इसका मीनिंग आप समझ चुके हो। यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कशन का टॉपिक होगा, सपोज करो आप इसको चेंज मतलब एक अलग टाइप से दिखाना चाह रहे हो, ठीक है। ये वेराइटीज़ है अलग अलग टाइप की, इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप ये, ओके। अब सपोज करो मैंने को ये अच्छा लग रहा है अभी, तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एंटर किया, और फिर ये आपकी रिबन खुल चुकी है। अब इंसर्ट में जाना है मेरे को, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट में देखो हम करने क्या वाले हैं, पहले इसको समझो। ऑब्जेक्ट में हम करने वाले हैं कि अगर इस वर्ड फाइल के अंदर, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूँ, इस वर्ड फाइल के अंदर मैं मल्टीपल टाइप का मल्टीमीडिया फाइल्स को शो कराना चाह रहा हूँ। मल्टीपल मीडिया टाइप क्या होता है यहाँ पे मीनिंग, जैसे कि कोई वीडियो आप वर्ड फाइल के अंदर एंटर करना चाहते हो, आप किसी एक्सेल फाइल को इसमें डाल सकते हो, आप किसी किसी टेबल को इंसर्ट करा सकते हो, समझ गए ना, किसी पावर पॉइंट की स्लाइड को इंसर्ट करा सकते हो। तो इसको बोलते हैं हम कि मल्टीपल टाइप का मल्टीमीडिया है, और आप इसको वर्ड फाइल के अंदर उसको डालने चाह रहे हो, ठीक है। तो अब देखो मैं कोई डाल के दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए। ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को, अब ये ओपन कर देगा आपके हार्ड डिस्क को, ठीक है। हार्ड डिस्क में जहाँ पे भी आपकी फाइल है ब्राउज करना है आपको, जैसे कि सपोज करो जीरा, तो ये मैंने वीडियो इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, अब देखना चेंजेस क्या होगा। ओके फाइल किया मैंने, यहाँ पे एक वीडियो फाइल क्रिएट हुई शो दिखेगी आपको यहाँ पे, अब उसको आप इस वर्ड फाइल के अंदर ओपन कर सकते हो, समझ गए। अब देखना कैसे होगा, लोड हो रहा है अभी, काफी टाइम लग रहा है, ठीक है। ठीक है, अब ये लोड हो चुका है यहाँ पे, समझ गए, वीएलसी का फाइल आ चुका है। अब देखो जैसे सपोज करो आपको ये ओपन करनी है, तो आपको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे पहले हार्ड डिस्क में जाओ, फिर किसी फोल्डर को ओपन करो, वहाँ पे जाके उसको प्ले करके दिखाओ। अब आप सीधा यहाँ पे डबल टैप करने के बाद सीधा यहीं से ओपन कर सकते हो। देखो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, देखो मैंने डबल टैप किया, अब ये कह रहा है ओपन करना चाहते हो क्या, मैंने कहा यस, ओके। अब देखना ये फाइल कहाँ पर ओपन होगी, यहाँ से डायरेक्ट अब नेक्स्ट टाइप, अगर मैं इसमें कोई डिफरेंट टाइप का मीडिया इंसर्ट कराना चाहता हूँ, जैसे कि ऑब्जेक्ट में गए, क्रिएट फाइल हूँ, ब्राउज पर जाकर, और मैं सपोज करो कोई वर्ड फाइल कोई वर्ड फाइल के अंदर एंटर करना देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इंसर्ट कराओ, ओके कर दो। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो मेरी वर्ड फाइल थी, ठीक है, जो मैंने अभी सेलेक्ट करी थी, ये इस नई न्यू फाइल के अंदर ओपन हुई है, ठीक है, सारा डाटा इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मैं देखो कोई डिफरेंट टाइप की और तीसरे टाइप की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, जैसे कि टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ऑब्जेक्ट में गए,
इसके बाद में ब्राउज किया और यहाँ पे मैं सपोज करो मैं कोई आपको एक पीपीटी फाइल इंसर्ट करा के दिखाता हूँ, ठीक है। मिड ड्राइव पीपीटी, ओके। अब जैसे मैंने यहाँ पे बहुत सारी पीपीटी मेरे लैपटॉप के अंदर सेव्ड है, सपोज करो मैं इस ड्रिलिंग की फाइल को ओपन इंसर्ट करा देता हूँ यहाँ पे। अब देखना चेंजेस क्या होता है। चेंजेस मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वर्ड फाइल ये आपने खोल रखी है, इसमें देखो ये वर्ड के सारे रिबन्स हैं ओपन इस टाइम पे। अब मैं जैसे इसको ओपन कराऊंगा ना यहाँ पे पीपीटी फाइल को इसके अंदर, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की ऑप्शंस होते हैं, समझ गए, वो इसमें आ जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। ओके करता हूँ मैं। अब देखना ये रिबन चेंज हो चुकी होगी टोटल, थोड़ी देर में लोड होने दो। ठीक है, अब आप समझ चुके हो। देखो जैसे ये थी मेरी पीपीटी फाइल, अब ये यहाँ पे सो चुकी है, ठीक है। अब मैं इसको चाहूँ यहाँ से ही स्लाइड को सो करा सकता हूँ आपको, जैसे देखो ये हो चुकी है, ठीक है, समझ गए। ये सीधे दबा के मैंने एग्जिट कर दिया, ओके, समझ चुके होगे जहाँ तक मेरा मतलब है कि वर्ड को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को एंटर करने के लिए, ठीक है, किसी वर्ड फाइल के अंदर, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ओके, थैंक यू।